हेलो गाइस, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है फर्स्ट का नाइन्थ है और इसमें वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स की पावर दे रखी है टू और प्रूफ करने के लिए है वन माइनस के एक्स स्क्वायर और इनटू में जो है वाई टू है माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू टू। फ्रेंड्स, जो सिंबल्स आपके ये वाई वन और ये वाई टू हैं, इसका मतलब होता है कि आपने इतनी बार इसका डिफरेंशिएट किया है। अगर वाई वन है तो उसका एक बार करा है, वाई टू है उसको दो बार करा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं तो सॉल्यूशन में इसके। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन y इज इक्वल टू आपको दे रखा है साइन इनवर्स x की पावर माइनस के साइन इनवर्स x की पावर टू। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये y1 बन जाएगा। फ्रेंड, डी वाई अपॉन जो डी एक्स है इसको y1 लिख देते हैं, पावर आ गया कर देंगे इसकी, पावर में से इसका एक कम करेंगे। ठीक है, फिर साइन इनवर्स का करते हैं तो साइन इनवर्स का अंडर रूट में वन माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू उठा के यहाँ ले आएंगे। चलो एक बार लिख देते हैं, तो आपका जो रिज़ल्ट बचा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद वो थोड़ा इस तरीके से बच गया है। यहाँ तो हम लिख लेंगे, फिर अपने जो हमारा चल रहा था एक्स स्क्वायर वो लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद करना क्या है कि इस रिज़ल्ट को हम इधर ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा वन माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और वाई वन हो जाएगा और बचेगा हमारे पास टू साइन इनवर्स एक्स। तो फ्रेंड, इसके बाद हम लोगों ने ऐसा करा कि इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। जैसे मैं इसका स्क्वायर करूँगा यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरा बचेगा वन माइनस का एक्स स्क्वायर और बचेगा वाई वन का स्क्वायर। इधर करूँगा तो टू का मेरे हो जाएगा फोर और साइन इनवर्स जो है इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, तो मैं अब इसका अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूँ। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, ये जो रिज़ल्ट आपको दिखाई दे रहा है ये ऑलरेडी पहले से ही वाई बन चुका है, तो क्यों ना इसको फोर वाई लिख दिया जाए। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएट होगा वो दो टर्म्स का है, तो एक बार करेंगे इसका डिफरेंशिएट, वन का जीरो माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं है एक्स स्क्वायर, तो उसका बन जाएगा टू एक्स और वाई वन का स्क्वायर आप कैसे रहेगा, अब क्या करेंगे वाई वन का तो ब्रैकेट आपको खुद छोड़नी पड़ेगी, तो वन माइनस स्क्वायर आपने छोड़ दिया, ब्रैकेट अगर वाई वन का स्क्वायर करेंगे तो पावर आएगा, पावर में से एक कम वाई वन का हो जाएगा फिर वाई टू। ठीक है, यहाँ पर फोर हो जाएगा और वाई वन हो जाएगा, तो जनरली आपका बना है क्या टू एक्स वाई वन का स्क्वायर बना है आपका। ठीक, और प्लस के वन माइनस का एक्स स्क्वायर टू आगे लिख लीजिए, y1 और y2 मिल चुका है और यहाँ 4y1। देखिए, सारे रिजल्ट्स में ना आपका 2 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, y1 भी कॉमन है, y1 कैंसिल हो गया तो 2 और ये 2 टाइम चला गया। देखो, y1 एक था, एक पावर कम, पूरा कैंसिल और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का x और y1, यहाँ बचेगा प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और बचेगा आपका वाई टू और यहाँ बचेगा ओनली 2। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा करिए, इस रिजल्ट को पहले लिख लीजिए 1 माइनस के एक्स स्क्वायर को और माइनस का एक्स वाई बना बाद में लिख लीजिए और इज इक्वल टू टू। यही फ्रेंड्स हमें देखो प्रूफ करना था।